हाय दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि दोस्तों प्लांट्स तो हम सब ग्रो करते हैं, बट अगर उसी प्लांट में फ्लावरिंग आ जाए तो बात ही कुछ और हो जाएगी ना। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है, किस तरह से बोगनविले प्लांट के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लेकर आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा सवाल और आपका जवाब। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताना है कि आपके पास कितने कलर के बोगनविले प्लांट है, मतलब कितने फ्लावरिंग वाले प्लांट है। मैं मेरा बताता हूँ। सबसे पहले वाइट, रेड, पिंक, ऑरेंज और एक और मल्टीपल वैरायटी है, उसमें दो वैरायटी, मतलब टोटल मेरे पास 6 वैरायटीज़ ऑफ प्लांट है। मतलब प्लांट्स तो बहुत सारे हैं बट मेरे पास वैरायटी 6 है। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि आपके पास कितनी वैरायटी के प्लांट अवेलेबल है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है? आपने दोस्तों अक्सर नोटिस करा होगा बोगनविलिया की फ्लावरिंग हमेशा एज पर होती है, मतलब कि ब्रांच जहां ख़त्म हो रही है वहीं पर फ्लावरिंग होती है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जितनी ज़्यादा आप अपने बोगनविलिया प्लांट की ट्रिमिंग करोगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर नई ब्रांचेस आएगी और उतनी ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग आएगी। तो देखते हैं हम हमारे प्लांट की ट्रिमिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बोगनविलिया की हालत थोड़ी सी डल है, मतलब कि इसके अंदर ना तो लीफ आ रही है ना ही फ्लावरिंग सही ढंग से हो रही है और प्लांट का शेप भी बहुत बेकार सा है। चलिए इसको पूरा अच्छे तरीके से ब्यूटीफुल प्लांट बना देते हैं। आफ्टर फ्यू डेज़ यहाँ पर दोस्तों हमारे बोगनविले प्लांट के ऊपर अब लीफ आने लग गई है। हम प्लांट को दो शॉक एक साथ नहीं दे सकते थे, मतलब प्लांट की ट्रिमिंग भी और उसकी रिपोर्टिंग भी। तो अब हमारा प्लांट ग्रो हो रहा है, अच्छा से हेल्दी होने लग गया है, तो अब यहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। चलिए फटाफट से इसको पॉट से बाहर निकालते हैं। हमारे प्लांट की रूट बाउंडिंग हो गई है, मतलब कि इस पॉट के अंदर इस प्लांट को कम से कम एक साल से ज़्यादा हो चुका है। और एक साल से ज़्यादा जब भी किसी प्लांट को रखा जाता है एक पॉट के अंदर तो उसकी बहुत सारी रूट्स ग्रो हो जाती है और उससे रूट बाउंडिंग हो जाती है, मतलब प्लांट फर्दर ग्रो नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम रिपोर्टिंग करें आप यहाँ पर सॉइल को हल्का सा स्क्रैच करते हैं जिससे रूट्स काफ़ी सारी फ्री हो जाएगी। चलिए आप सॉइल मिक्स देख लेते हैं। सॉइल मिक्स में दोस्तों आप नॉर्मल गार्डन सॉइल लेंगे, वो भी 60% के आसपास, और उसके बाद आप लेंगे वर्मी कंपोस्ट। और ये दोस्तों वर्मी कंपोस्ट हमने खुद ने बनाया है, और अगर आपको सीखना है कैसे बनाया जाता है वर्मी कंपोस्ट तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वर्मी कंपोस्ट का रेशियो है 40%, तो 60% सॉइल और 40% वर्मी कंपोस्ट। पॉट हमने पिछली बार से थोड़ा सा बड़ा लिया है, इसमें ड्रेनेज होल का हमेशा ध्यान रखना। आप हमेशा जब भी पॉट प्रिपेयर करें किसी भी प्लांट के लिए तो बेस में हमेशा ध्यान रखना, आप उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब रूट्स बेस पर जाएगी तो डेफिनेटली वहां से वो फर्टिलाइज़र के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगी और अच्छे से ग्रो हो जाएगी। हमारा बोगनविलिया काफ़ी अच्छे तरीके से रिपोर्ट हो चुका है। अब हमें हमारे बोगनविलिया प्लांट के अंदर बहुत सारी लीफ चाहिए, तो अब इसको कुछ दिनों के लिए शेड एरिया में रखिएगा जिससे इसके अंदर बहुत सारी ग्रीन कलर की लीफ डेवलप हो जाए। और उसके बाद आप इसको फुल सनलाइट में रखना जिससे इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर हमने हमारे प्लांट को पानी दे दिया है, और फर्स्ट टाइम आप जब भी वाटर देते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा देना है जब तक ड्रेनेज होल से पानी बाहर नहीं आ जाए। कुछ ही दिनों में दोस्तों हमारा बोगनविलिया प्लांट बहुत सारी लीफ के साथ आपको सरप्राइज़ देने वाला है। चलिए इसके लिए फर्टिलाइज़र प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि हमें बहुत सारे फ्लावरिंग मिले। बोगनविलिया में फास्ट फ्लावरिंग के लिए दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पूरी करनी होगी, और उसके लिए चाय पत्ती सबसे बेस्ट रहती है। ये सॉइल के अंदर बहुत ही गुड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती। तो यहाँ पर आप यूज टी लें या फिर अनयूज टी लें, बस आपको एक या दो चम्मच लेना है और इसको पानी के अंदर भिगो के रखना है ओवरनाइट। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है दोस्तों फ्लावर बूस्टर, और ये है मस्टर्ड केक। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में आपको इसको यूज़ करना है, 100 ग्राम या 50 ग्राम के आसपास, जितना आपका पॉट साइज है उतना आपको ये क्वान्टिटी में लेना है, और इसको भी सेम आपको वाटर में डिजोल्व कर रखना है ओवरनाइट। आफ्टर 24 आवर हमारे दोनों फर्टिलाइज़र रेडी है बोगनविलिया में डालने के लिए। और हाँ दोस्तों, आप इनको अलग अलग तरीके से डालेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे इनको डालना है। सबसे पहले आप छान लीजिए, क्योंकि हमें एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम हमारी चाय पत्ती को छान लेते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे यूज़ करेंगे।
आप जब भी कोई भी फर्टिलाइजर डालें उसको हल्का सा एक्स्ट्रा डाइल्यूट करते हैं। यहाँ पर हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर रेडी हो गया है बोगनवेलिया के लिए, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और हमारा फ्रेश वाटर ऐड करेंगे जिससे हमारा फर्टिलाइजर थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा। चलिए अब प्लांट के ऊपर नज़र डालते हैं और उसकी थोड़ी क्लीनिंग करके उसमें फर्टिलाइजर डाल देते हैं। हमारे बोगनवेलिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लीफ आ रही है बट अब यहाँ पर फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो चलिए फर्टिलाइज़र डाल के इसको फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने पर मजबूर कर देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले तो जितने भी ड्राई लीफ वगैरह है वो सब रिमूव करने हैं क्योंकि वो एक फंगस का कारण बन सकते हैं, और अगर आपके प्लांट के पॉट में कोई भी वीड्स वगैरह उग रहे हैं तो डेफिनेटली उनको भी रिमूव करना है। अब दोस्तों फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपको पॉट के सेंटर में जहाँ पर प्लांट का स्टेम है उसके आसपास आपको टीलिंग करनी है, गुदाई करनी है, जिससे हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट की रूट्स में डायरेक्ट चला जाए और ये फास्ट एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। अब बस अपना फर्टिलाइज़र लीजिए और प्लांट के सेंटर में डाल दीजिए जिससे प्लांट अपनी न्यू फाइबरस रूट से उसको फटाफट से एब्जॉर्ब करे और एक बूस्ट लेकर आए अपने फ्लावरिंग के अंदर। बचा हुआ फर्टिलाइज़र आप दूसरे बोगनवेलिया प्लांट के स्टेम पर भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास और ज़्यादा बच गया है तो डेफिनेटली मनी प्लांट के ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र जो है फ्लावर बूस्टर, और दोस्तों आप सारे प्लांट में इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं मस्टर्ड के यहाँ पर। अब इसको यूज़ करने का तरीका आप देख लें, जब भी आप इसको बनाएं थोड़ा सा वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर दें क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर डल गया ना तो पॉट में फंगस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा वाटर एक्स्ट्रा डालेंगे, एक्स्ट्रा डाइल्यूट करेंगे और सॉइल की हमेशा गुदाई करके ही इसको यूज़ करेंगे। मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र दोस्तों फर्दर ब्रेकडाउन होगा और उसके लिए उसको थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर साइड में गुदाई कर रहे हैं और यहाँ पर ही इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे जिससे समय रहते हमारा बोगनवेलिया प्लांट इसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके। नियरली 25 डेज़ के बाद दोस्तों आपको बहुत ही गुड सरप्राइज़ मिलने वाला है, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं दोस्तों हमारा प्लांट फ्लावरिंग पर आ गया है और बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर बड अभी भी खिल रहे हैं, बट कुछ ही दिन और बस और हमारा प्लांट फुल फ्लावर से भर जाएगा। सो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा बोगनवेलिया प्लांट का पूरा अपडेट वाला वीडियो? तो डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, और मैंने स्टार्टिंग में कहा था प्लांट तो हम सभी उगाते हैं बट अगर उस प्लांट पर फ्लावर भी आ जाए तो हमारा गार्डन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है।